दोस्तों, अभी आपने 12th कंप्लीट किया है और आपको CA का फॉर्म भरना है। आपने 12th कंप्लीट किया है या आपका फिर रिजल्ट बाकी है, तो आप अपना जो CA का फॉर्म है ये आप आसान तरीके से भर सकते हैं। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और इसमें कैसे ऑनलाइन इसका पेमेंट करना होगा और ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघराज चौधरी, स्वागत है आप सभी का JM टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, JM टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा कोई भी नया आगे वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है ICAI, तो उसमें आपको सबसे पहला लिंक आएगा www.icai.org, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको ई सर्विसेज पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने चार ऑप्शन और आएंगे, दो स्टूडेंट सर्विसेज है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसमें आपको स्टूडेंट सर्विस में भी आपको पहला ऑप्शन है जो एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आपके एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपके जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपको इसमें लिखना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट नोट और भी है, इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप खुद का अपना डालें, क्योंकि आप भविष्य में आगे कभी भी कोई मैसेज आएगा तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है ना, मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, अन्यथा इसमें ऑप्शनल कोई जरूरी है नहीं। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना जन्म तारीख डाल देना है। जन्म तारीख डालने के बाद में आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी के बाद में आपको अपना जो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो वर्किंग है, अभी हाल में आपके पास मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में फॉर्म सबमिट होगा। आप इस फॉर्म को एक बार पूरा दोबारा चेक कर लें, आपका पूरा कंप्लीट है और उसमें कोई रॉन्ग नहीं लिखा हुआ है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी पे क्लिक करने के बाद इसके ओके का ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो ये कैप्स कोड लिखा हुआ है ये आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है। ये कैप्स कोड लिखने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपली डालना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको लास्ट में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देना। एक बार यहाँ पे और दोबारा नोटिस दिया गया है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पे है वो ही डालना है, ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद में इसमें करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो अभी अपने को इस पे ओके कर देते हैं। साइन अप कंप्लीट होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाउंडेशन कोर्स का पूरा आपके सामने एप्लीकेशन आएगा, उसमें आपको अपना पूरा पर्सनल डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल और पेमेंट डिटेल पूरा डालना होता है। तो ये सब कैसे डालना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नाम आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, और वही आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पे वही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको जेंडर चूज करना, मेल फीमेल जो भी हो, उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, वो टोटल पहले लिखा हुआ और टोटल इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपके यहाँ पे मदर नेम लिखना है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे कोई डालना जरूरी नहीं। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दोबारा चेक कर लेना है और अपना ईमेल आईडी भी चेक जरूर करें। यहाँ पे एसटीडी को रोड, आपको टेलीफोन आपके घर पे है और टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं, ऑप्शनल है। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है, फिर अपने का जो अपना आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड है तो भी लिख दीजिए और पासपोर्ट है तो भी आप लिख सकते हैं। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, फिर आपको वीजा नंबर सेलेक्ट करना है। वीजा आपके पास है तो आप सेलेक्ट करें, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसमें कोई डालना कोई जरूरी नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा फिलअप करना है, एड्रेस आपके जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वही आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस आधार कार्ड पे कोई चेंज है तो आप अभी जो करंट रह रहे हो, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है, और परमानेंट एड्रेस और करंट जो आप रह रहे हो वो एड्रेस अलग अलग है तो आप दोनों जगह यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस अलग लिख सकते हैं। जो ऊपर है वो करंट एड्रेस है और नीचे जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो परमानेंट एड्रेस है।
आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, तो जनरल है तो जनरल या ओबीसी एसटी जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनल इंडियन, उसके बाद कंट्री नेम इंडिया है, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद आपको एनुअल इनकम पेरेंट्स की कितनी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये पूरा भरने के बाद आपको दोबारा एक बार और चेक कर लेना है, पूरा कंप्लीट और सही आपने भरा है तो आपको दोबारा फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। क्वालिफिकेशन डिटेल डालते समय आपको जो स्कैन करना है 10वीं और 12वीं का मार्कशीट है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसमें आपको साइन करके ही अपलोड करना है, अन्यथा आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का रोल नंबर डालना है, फिर आपका बोर्ड कौन सा तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और कब आपने पास किया था मंथ और ईयर यहाँ पे लिखना है। फिर आपको यहाँ पे अपना कितने में से कितना मार्क आया है, टोटल मार्क कितना था और कितना मार्क आया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और परसेंटेज है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना मार्कशीट है वो अपलोड करना है। क्लिक हेयर अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका अपलोडेड फाइल है उस फोल्डर को चूज करके उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना 10वीं का मार्कशीट जहाँ पड़ा है वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लोज ऑप्शन पे करना है, क्लोज कर देना है, और वैसे ही फिर आपको 12th का भरना है, 12th का फिर आपको रोल नंबर लिखना है, फिर आपको बोर्ड चूज करना है, बोर्ड के बाद आपने कब पास किया है, और आपने अभी पास नहीं किया है आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अवेटेड पे आपको क्लिक करना है, और आपने पास कर लिया है तो आपको पास्ट पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको खास ध्यान रखना, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है या फिर रिजल्ट आ गया है तो आप उसको ऑनलाइन प्रिंट निकाल के वो आप अपलोड कर सकते हो, और आपका रिजल्ट ही बाकी है तो आप अवेटेड पे क्लिक करें। फिर आपको यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड है वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, एडमिट कार्ड पे भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये दो भरने के बाद आपने साथ साथ में कोई डिप्लोमा भी किया है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना है, नहीं किया है तो ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। फिर आपको यहाँ पे मीडियम पूछा जा रहा है कि आपने अभी जो आप स्टडी करोगे वो आपको कौन सा मीडियम में चाहिए, आपको इंग्लिश या हिंदी में चाहिए, दोनों इसमें मीडियम है इंग्लिश हिंदी, तो आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोबारा ऐसा एक इंटरफेस आएगा, उसमें आपको अपलोड फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी है, और ये तीन ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कोई जरूरी नहीं है अपलोड करना। और स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। तो अभी मैं इसमें अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। ब्राउज पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जहाँ भी आपको फोटो पड़ा है वो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद में आपको क्लोज पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे आपका साइन जो है वो अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे ब्राउज फीचर पे क्लिक करना है, आपका जहाँ भी साइन पड़ा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट के बाद में यहाँ पे योर सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, इसमें आपको फोटो और साइन दोनों में 100-100 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, और JPG JPEG फॉर्मेट ही ओनली फॉर होना चाहिए, इसमें आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा कोई फॉर्मेट होगा तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में फिर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो आपको पेमेंट करना है कितना करना है ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। और अभी इसको पूरा फाइनल सबमिट करने के लिए आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है, और OTP डालने के बाद में आपको करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। कैप्स कोड डालने के बाद में आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अभी अपने पास दोबारा आपने मोबाइल पे OTP भेजा है, वो OTP डालने के बाद में आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद में आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब जो OTP था वो सही था और OTP वैलिडेट एंड सक्सेसफुल हो गया है, तो फिर आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अभी अपने को यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, अपना फॉर्म पूरा क्लियर हो गया है, तो क्लियर होने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू सबमिट, कि आप सबमिट करना चाहते हैं क्या ये सही है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे अपना पेमेंट का ऑप्शन आया हुआ है, आप पेमेंट आपको 9,200 रुपये पूरा ऑनलाइन पेटीएम या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई इसमें कोई भी एक ऑप्शन से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है। आपको कोई परेशानी है या फिर आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कोई त्रुटि आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आगे जो भी अपडेट होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो अभी आपको जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जैसे आगे कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।